वेलकम गाइस, हेलो टू माय चैनल। और आज हमारी गाड़ी जो ड्राइवर है वो मिलने वाली है, तो हम लोग चल दिए हैं अपनी गाड़ी के पास। यार मैं रहती थी, तो अभी भी रेनो से फ़ोन आया है कि अपनी जो गाड़ी है वो कम्प्लीटली कम्प्लीट हो चुकी है। तो हम लोग जाने वाले हैं कनाल ऑटोमोटिव और वहाँ पे जाके देखेंगे कि अपनी गाड़ी में क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और हर चीज़ आपको दिखाएंगे उसमें। सो गाइज, पहुँच चुके हैं हम लोग अपने सर्विस सेंटर पे। ये रहा अपना सर्विस सेंटर और इसी के अंदर अपनी गाड़ी लगी हुई है। देखो यहाँ पे सिर्फ थकी हुई ड्राइवर्स आपको ढेर सारी मिल जाएंगी। ड्राइवर पे ड्राइवर, ये रही अपनी ड्राइवर, ये खड़ी है। अरे कैसी हो, ठीक हो? ये देखो इस साइड से जो पूरी ठुकी हुई थी अपनी गाड़ी, ये देखो, ये क्या है? बुलाओ जरा, देखो ध्यान से, देखो इसमें दिखेगा, देखो दिखा, ये देखो ब्लैक कलर का मार्क पड़ा हुआ है, देखो सब, देखो पेंट में ब्लैक मार्क पड़ा हुआ है। और देखो यहाँ पे ध्यान से, ये सब क्या है, सब तो हो गया क्या? तो अच्छे रवि करो, देखो ये चीज़ भी पूरी इसमें पेंट हुई है। भाई बोनट भी पेंट हुआ है क्या? नहीं, बोनट नहीं हुआ, बम्पर हुआ है। और ये लाइट इसमें नई लगी हुई है। तो बाकी चल के पूरी चीज़ें देख लेते हैं कि क्या है कैसे, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी करके, कितना खर्चा आया, क्या बिल बना, हर चीज़ अभी आपको मैं आगे वीडियो में बढ़ के बताऊँगा। बाकी देखिए यहाँ पे और भी लड़ी हुई गाड़ियाँ हैं। ये रेनो क्विड है, इसके हाल देखिए यार। पर ये जो नई वाली क्विड आती है देखने में बड़ी कमाल की लगती है, एकदम छोटी ब्रेज़ा लगती है। ऊपर से इसका ये जो डुअल टोन कलर आया ना, मस्त लग रही है। तो देखिए ये हमारा पुराना वाला गेट है जो ठुका हुआ था, ठीक है, और उसमें वो नया गेट पड़ा हुआ है। गेट तो नया ही है। हाँ गेट दोनों नए हैं, एक ये पड़ा, ये बम्पर भी अपना ये पुराना वाला पड़ा हुआ है। देखो एक मिनट, देखिए ये अगर पेंट बूथ में गाड़ी पेंट होती, ध्यान से दिख रहा है इसमें, देखिए क्लियर कोट ये बहता हुआ यहाँ पे आया है, ये क्लियर कोट यहाँ से बहा हुआ है, ये यहाँ से देखिए ये क्लियर कोट बहा है। अभी ये सारी चीज़ें जब ये पपड़ी बन के निकल जाएंगी यहाँ से, तो पूरा पेंट फूट जाएगा। अगर ऐसे ही कराना होता जाके किसी रोड छाप मिस्त्री से ना करा लिए होते काम, यहाँ पे क्यों आए होते? अब बिल जानते कितने का बना, वो अभी आपको बताता हूँ वीडियो पे पूरी मैसेज और हर चीज़ के साथ कि कितने का क्या बिल है। पर क्लेम में अभी सिर्फ उतना बना है, इसकी जो बनवाई है इन्होंने बोला है कि 5,000 से 7,000 रुपये एक गेट का लगेगा। ये वाला गेट है, इसमें दो डेंट पड़े हुए हैं और एक ये बूट है मोटा मोटा, ये बूट में यहाँ पर जो डेंट पड़ा हुआ मोटा मोटा, माने मतलब 20,000 अभी गाड़ी और मांग रही है। और जितना इन्होंने काम किया है उस काम पे ये काम किया है कुछ तो, मतलब थोड़ा देखो, ये 2 साल पुरानी गाड़ी लग रही है, ऐसे लगाई जाती है बीट। इसमें कार चल तो सही रही है, पर ये वाला गेट चेंज हुआ है ना, देखिए इस गेट का, ये ख़राब हो गया, तो लॉक अनलॉक इसका, ये ख़राब हो गया। तब इसको बनवाने के लिए कहा गया तो वो लोग आके इसको बनाएंगे। बाकी सब ठीक है, चलाने में भी सही है। 2-4 जो दिक्कतें थी वो उन्होंने कहा है कि 19-20 का फ़र्क आता है, बाकी देख लिया जाएगा जो है जैसे। तो ये चीज़ भी अब सही हो चुकी है, ये देखिए। हाँ एक बार वो करके देख लीजिए, अनलॉक करिए। तो ये अपनी बेबी तैयार हो चुकी है और अब ये यहाँ से जाने के लिए रेडी भी हो गई है। तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, पेपर वर्क था, वो सारी चीज़ें इसी कंप्लीट हो गई हैं। बाकी जो भी इसका पुराना सामान था इसके अंदर मैंने डलवा लिया है, प्रोजेक्टर वाली पूरी लाइट है, बम्पर है, गेट है, तो किसी ऐसे लोकल मैकेनिक को दे देंगे, उसके काम आ जाएगा, कहीं सेकंड हैंड वगैरह लगा देगा। जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो रही हैं, उसके जस्ट बाद हमारी गाड़ी आज यहाँ से रवाना होगी और फिर बताऊँगा कि क्या चीज़ कैसे से हुई है। तो गाइस अभी कार एक जगह पे खड़ी हुई है, तो थोड़ी देर में धूप जाने वाली थी, पर इसमें अभी थोड़ा सा कुछ काम करवाना है, इस वजह से मैंने सोचा कि यहीं पे मैं इसकी एक वीडियो बना लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ कैसे से हुई है।
तो इसकी ये जो पूरी क्लैडिंग है ये सारी टूट चुकी थी, ये चेंज हुई, ये बम्पर इसका चेंज हुआ है। ये सिल्वर कलर का है, ये इसमें वही पुराना वाला लगा है, पर इसकी जो ग्रिल है ये पूरी चेंज हुई है। इधर साइड आते हैं, ये वाली इसकी हेडलाइट पूरी चेंज हुई है, DRLs इसमें वही पुराने वाले ही लग रखे हैं, फेंडर वही है। ये वाला गेट इसका पूरा का पूरा चेंज हुआ है, जो फ्रंट ड्राइवर साइड का है, इसका मिरर चेंज हुआ है। बैक वाला डोर वही है इसमें, तो इसे बस डेंट पेंट करके इसे लगा दिया गया है। यहाँ पे पूरे में पेंट हुआ है, वहाँ पे पेंट हुआ है, और इसका जो भी पुराना सामान था गाड़ी में वो गाड़ी में मैंने रखवा लिया है। तो ये किसी लोकल मिस्त्री जो होते हैं उनको दे देंगे तो उनका काम बन जाएगा। उसमें क्या है, फ्रंट वाला डोर है अपने पास, गाड़ी का बम्पर जो कि रिपेरेबल है, इधर साइड इसकी लाइट है जो कि ठीक ही है, पर इसके जो क्लैंप्स हैं वो टूट चुके हैं लाइट के, तो ये भी दे देंगे। जुगाड़ से अभी तक लगी हुई थी, फिर से लग जाएगी। बाकी ये जो इसमें ये लगा रहता है स्टिकर, ये चेंज हुआ है, ये पूरा चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसका जो बिल बना है वो अराउंड 70,000 रुपये का बना हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बिल भी पूरा दिखाता हूँ कि क्या है कैसे। बाकी आते हैं कार के रियर पे, तो रियर पे जो इसमें एक डेंट पड़ा हुआ था पहले, ये वाला, ये डेंट इसमें अभी भी पड़ा हुआ है। और इस वाले डोर में देखिए, ये वाला ये डोर इसका एकदम क्लीन है, पर जो ये बैक डोर है, बैक डोर में यहाँ पर स्क्रैच पड़ा है, यहाँ डेंट, यहाँ डेंट, यहाँ डेंट, यहाँ डेंट, एक डेंट इसमें यहाँ पर देखिए पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले डोर को भी रिपेयर कराना पड़ेगा, तो अभी नहीं कुछ टाइम बात करा लेंगे। और एक डोर के जो रिपेयर होने का कॉस्ट है वो आता है अराउंड 7,000 से 8,000 रुपये, ठीक है। तो अभी हम कार के अंदर चलते हैं, कार के अंदर साफ़ सफाई ठीक ठाक हो रखी है। बाकी हम ढूंढे इसके बिल को कि बिल कहाँ पे है, तो ये रेनो झांसी, ये देखिए ये रहा इसका बिल। तो इसमें आप हर चीज़ पढ़ सकते हैं, अगर आपको पॉज करके पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, तो क्या चीज़ है कैसे है हर चीज़ में, पूरा अमाउंट देखिए यहाँ से लिखा हुआ है। ये रहा ये इसका एसी का फ़िल्टर था, तो ये हटवा दिया है, तो इसके 180 रुपये कम हो गए थे। बाकी यहाँ पे देखिए ग्रैंड टोटल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये देखिए हाँ। तो इसका जो बिल बना है वो है 61,700 का, पर इसमें हम लोग को देना पड़ा है 1,544 रुपये, तो 1,500 रुपये ये एक तरह से आप फाइल चार्ज इसका समझ सकते हैं, तो वो लगा है। बाकी 61,000 रुपये का इसमें बिल बना है, क्या चीज़ है कैसे है ये सारी चीज़ें आप बाकी देख सकते हैं। तो गाइस हमारी कार है जो वापस रेडी होके आ चुकी है, बस एक चीज़ इसमें बची, इस वाले गेट को और रिपेयर करा लेंगे, गाड़ी हमारी एकदम मस्त बन चुकी होगी। और इस वाली लाइट में हल्का सा स्क्रैच पड़ा है, तो ये ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है गाड़ी में। बाकी अब कार में आपको एक भी स्क्रैच कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, बस ये वाला गेट, तो ये अभी आँखों में खटक रहा है, सही करा लिया जाएगा इसको भी। तो हॉर्न वगैरह का रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया है, एक बार मैं आपको सुना के भी दिखा देता हूँ। आफ्टर मार्केट ही आपको, कार आप कोई भी ले, हॉर्न आपको आफ्टर मार्केट लगवाना ही लगवाना पड़ेगा। सुनिएगा इसकी आवाज़, तो एक क्रिएटर टाइप के इसके हॉर्न्स हैं। तो ओवरऑल गाइस यही थी अपनी कार जो कि अब वापस आ चुकी है। और बात करें सेटिस्फेक्शन की, तो मैं अपनी कार से सेटिस्फाई हूँ, बस एक गेट और बन जाए बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गाड़ी एकदम नई नवेली बन चुकी होगी। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय श्री राम।